नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने कल लेटर जारी किया था कि लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ों में कुछ दुकानों में रियायत दी जाएगी है। अभी हम खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जी से हम बात करेंगे कि लॉकडाउन जो है इतना धरातल पर कितना सफल है और किन किन चीज़ों में रियायत दी जाएगी, और बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, तभी हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। कल से जो आज से जो भी आपने लेटर जारी करा है, किन किन चीज़ों में सर रियायत मिलेगी लोगों? लॉकडाउन आने के बाद जो तीन चरण इसके रहे, खासकर लॉकडाउन वन में काफ़ी ज़्यादा रियायतें नहीं थी, जिसको कि लॉकडाउन टू के समय थोड़ी कुछ कंसेशंस दिए गए। लॉकडाउन थ्री में अधिकांश चीज़ों में कंसेशन दे दिया गया है, चीज़ों को अलाउ किया गया है, ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अलावा जो रूटीन लाइफस्टाइल है लोगों का, वो भी धीरे धीरे जो हम लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल से थोड़ा अलग हट गए थे, उसको वापस धीरे धीरे लाया जाए, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये अभी बहुत ही निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं बाजार को और रूटीन लाइफस्टाइल को पुनः पटरी पर लाने की आवश्यकता होगी। इसमें आवश्यक रेस्ट्रिक्शंस के साथ अधिकांश दुकानों को खोलने की सहमति गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके आलोक में गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा भी एक दिशा निर्देश हम लोगों को दिया गया और VC के माध्यम से भी बताया गया। हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि नॉर्मल दिनों में जो दुकानें हर समय खुली रहती थी, उनमें अब हम लोगों ने कुछ दुकानें जो कि नॉन एसेंशियल प्रकृति की हैं, उनको सप्ताह में 3 दिन हम लोग खोले और शेष दिन उस सप्ताह के वो बंद रहें, ताकि उनका व्यापार भी चले और लोगों की आवश्यकताएं यदि हैं तो उसकी पूर्ति भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो भीड़ हमारी बाज़ारों में होती है उसको भी कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा सके। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि एसेंशियल प्रकृति की हैं, उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि वो 7 दिन की जगह 6 दिन खुली रहेंगी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि रविवार को हर प्रकार की दुकान अमूमन बंद रहे, जो कि दवाई दुकान छोड़कर, ताकि एक दिन सप्ताह में ऐसा हो जिसमें कि मार्केट कोई चहल पहल नहीं हो, लोग घरों में रहें, छुट्टी का दिन भी होता है, और ऐसे भी मार्केट का एक नेचर है कि कम से कम एक दिन सप्ताह का कोई एक दिन उनका अवकाश ही रहता है, तो उसी को मानते हुए हम लोग वो करें। इसमें मॉल्स में जाने की अनुमति आज भी नहीं है, इसको खुलने की अनुमति आज भी नहीं है। जो कपड़े की दुकानें हैं उसमें भी अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई, हो सकता है आने वाले समय में इस पर विचार किया जाए, लेकिन फिलहाल उस पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है।